कभी कभी जरा सी लापरवाही खतरनाक साबित होती है, लेकिन डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है सचमुच वह इंसान की जान बचा लेता है। जब एक 2.5 साल के मासूम को खेल खेल में गले में 10 का सिक्का फंस गया था और आहार नली जाम कर दी थी, वहाँ जिंदगी और मौत के संघर्ष में करती हुई मासूम को जिला अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर ने बिना चीरफाड़ किए सफल ऑपरेशन कर नली से 10 का सिक्का बाहर निकाल लिया और अब वहाँ पूरी तरह से स्वस्थ है। जिले की नोहाटा थाना क्षेत्र खमरिया बिजरो गांव में महेंद्र अहिरवार की 2.5 साल की मासूम बेटी रानू 10 के सिक्के से खेल रही थी। इसी बीच उसने अचानक 10 का सिक्का गटक लिया और परिवार वाले समझे कि उसने कहीं गिरा दिया। इसके बाद रात में जब रानू को पानी पिलाने में तकलीफ हुई तो उसे डॉक्टर के पास लाया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। एक्सरे कराने के बाद रानू को गले में 10 का सिक्का नजर आया, तब डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन की तैयारी करी। इसके बाद डॉक्टर विशाल शुक्ला ने सफल ऑपरेशन कर मासूम को बचा लिया। एक्चुअली एक बच्चा आया था खमरिया से, उसका पिता लेके आया था, उसने एक्सीडेंटली खेलते खेलते एक सिक्का निगल लिया था, तो वो जाके सांस की नली और खाने की नली के बीचों बीच फंसा। खतरा ये होता है कि वो सांस की नली में भी जा सकता है, खाने की नली में भी जा सकता है, और इमरजेंसी इसलिए थी क्योंकि सांस की नली के ऊपर अटका हुआ था। तो उसको आज हमने इमरजेंसी ओटी में लिया, उसके बाद उसका वो सिक्का निकाला। इसमें डॉक्टर अलका सोनी भी हमारे साथ थी, उन्होंने बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया दिया और बच्चा भी मेल सर्जिकल वार्ड में एडमिट है। और ख़ास बात यह है कि इसी ऑपरेशन के प्राइवेट सेक्टर में 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और चूंकि बच्चा गरीब था और शासकीय अस्पताल में है तो ये सेवा उसको पूरी तरह निःशुल्क दी गई। ये सर कैसे संभव हुआ बिना चीर फाड़ के और आपने सिक्का निकाला? एक्चुअली एक प्रोसीजर होता है ईसोफेगोस्कोपी, तो उस प्रोसीजर से हम ईसोफेगोस्कोप गले के रास्ते से बच्चे को बेहोशी की अवस्था में गले के रास्ते से ईसोफेगोस्कोप को डालते हैं। उसमें एक लाइट का प्रोविजन होता है, लाइट पहले से ही होती है, फिर हमारा एक फोर्सेप होता है, उसके जरिए हम उस सिक्के तक पहुंचते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, साइंस की भाषा में यदि कहेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि सिक्के का फेफड़े की तरफ उस रास्ते में जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, या फिर अगर बैटरी होती तो लीक होकर के खाने की नली में छेद होने का खतरा होता है। तो तमाम रिस्क का अध्ययन करने के बाद अपनी रिस्क पर हमारी एनेस्थेटिक मैडम के सहयोग से, हमारे आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल की प्रेरणा से मैंने ये कदम उठाया, और ईश्वर की कृपा से बड़ा सफल ऑपरेशन रहा। और अगर इस तरह के बच्चे आते हैं तो आगे भी करेंगे। घर में खेल रही मासूम की सही तरीके से देखरेख नहीं होने से एवं परिजनों की लापरवाही बरतने से जान पर आ गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने मासूम को बचा लिया। अरे क्या नाम है बिटिया का? रानू। कुल मिलाकर जरा सी लापरवाही के कारण मासूम को जिंदगी और मौत के संघर्ष में पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने भगवान बनकर उसका बिना चीरफाड़ किए सफल ऑपरेशन किया और मासूम पूरी तरह से अब स्वस्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।